बीपीएससी क्या चाह रही है, किस तरीका से ये परसेंटाइल लागू करना चाह रहे हैं और कौन सा और नया नया ये रास्ता निकालेंगे धांधली सेटिंग का, ये तो मुझे नहीं पता है। इनको अभी कैसे पता है कि 6 लाख से ज्यादा फॉर्म गिर जाएगा या 10 लाख फॉर्म आ जाएगा? बीपीएससी को ये कैसे पता है अभी? मतलब ये लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि कोई बहाना मिल जाए कि संख्या ज्यादा है, मतलब ये तरीका ढूंढ रहे हैं धांधली सेटिंग का। बीपीएससी का मकसद सिर्फ और सिर्फ सिविल सेवा में परसेंटाइल लाकर एसडीएम और डीएसपी का सीट बेचना था, और इसलिए देखिए अब ये बातें सामने आने लगी है। तो एक बात हम बता देना चाहते हैं कि परसेंटाइल और 2 शिफ्ट में परीक्षा किसी कीमत पे सिविल सेवा में हम लोग नहीं मानेंगे। नहीं, बिल्कुल विश्वास नहीं है बीपीएससी पे। कैसे हम भरोसा करें उस बीपीएससी पे भरोसा करें? TRE3 का पेपर लीक हुआ, आर्थिक अपराध इकाई ने जांच किया और आर्थिक अपराध इकाई ने जांच रिपोर्ट दिया कि पेपर लीक है, पर्याप्त सबूत है। तब बीपीएससी ने क्या कहा कि कोई सबूत नहीं है, हम नहीं मानेंगे आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट को। बीपीएससी सिविल सेवा में परसेंटाइल या 2 शिफ्ट में परीक्षा या 1 शिफ्ट में ही हो, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन का सेट हो, इसको नहीं मानेंगे। और लाखों परीक्षार्थी, बीपीएससी सिविल सेवा के लाखों परीक्षार्थी पटना से लेकर दिल्ली तक सड़क पे उतर जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हार्ट ऑफ मेहू आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा कल 69वीं सिविल सेवा मेंस का रिजल्ट घोषित कर दिया गया, और आपको बता दे कि इसी महीने 15 सितंबर से पहले संभावना है कि 70वीं सिविल सेवा को लेकर एक बड़ी बहाली बीपीएससी के द्वारा जारी किया जाएगा। 200 एसडीएम सीट, 135 प्लस डीएसपी के सीट और 1100 से ज्यादा सीटों की संख्या हो सकती है। आपको बता दें कि इस परीक्षा को लेकर एक खबर निकली थी कि हो सकता है कि यह परीक्षा 2 फेज में कराया जाए, पीटी परीक्षा का 2 फेज में कराया जाए और उसके बाद जो है नॉर्मलाइजेशन या जो विधि अपनाया जाए उसके बाद रिजल्ट दिया जाए। आपको याद होगा 2022 में यही तरीका बीपीएससी के द्वारा अपनाया गया, लेकिन एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो छात्रों को किया गया परसेंटाइल व्यवस्था के विरोध में, और अंततः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हस्तक्षेप करना पड़ा और इसे वापस लेना पड़ा। छात्र नेता दिलीप जो हैं उस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे और अभी भी इनका कहना है कि सिविल सेवा में परसेंटाइल व्यवस्था पीटी लेवल पर लागू नहीं होना चाहिए। दिलीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, हमने भी कुछ दिन पहले खबर चलाया था और ये निकल के बातें आ रही हैं कि हो सकता है कि आयोग पीटी परीक्षा अगर ज्यादा संख्या में 5-6 लाख से अधिक कैंडिडेट अगर फॉर्म फिलअप करते हैं तो 2 फेज में ले, यानी कि 2 अलग अलग तिथियों पर यह परीक्षा ले। विरोध किया है दिलीप जी, क्या ऐसा संभव है? क्या एक ही कट ऑफ परसेंटाइल बनाकर निकाला जाएगा या अलग अलग कट ऑफ निकाला जाएगा, क्या होगा इसमें? देखिए आगे क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता। बीपीएससी क्या चाह रही है, किस तरीका से ये परसेंटाइल लागू करना चाह रहे हैं और कौन सा और नया नया ये रास्ता निकालेंगे धांधली सेटिंग का, ये तो मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं इतना ही अभी कहना चाहूंगा कि जो बातें अभी चर्चा में आई है कि 2 शिफ्ट में परीक्षा लेने पे भी विचार चल रहा है और हो सकता है कि दोनों शिफ्ट का अलग अलग कट ऑफ जारी हो, अलग अलग रिजल्ट जारी करे, ये भी एक मतलब विचार। आपके पास भी ये सूचना आया है? आप बिल्कुल, मेरे क्या ये सूचना? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास भी ये जानकारी कल ही आई है। अब इसमें क्या होगा ये तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन ये विचार चल रहा है। और इनको अभी कैसे पता है कि 6 लाख से ज्यादा फॉर्म गिर जाएगा या 10 लाख फॉर्म आ जाएगा? बीपीएससी को ये कैसे पता है अभी? मतलब ये लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि कोई बहाना मिल जाए कि संख्या ज्यादा है, मतलब ये तरीका ढूंढ रहे हैं धांधली सेटिंग का कि 5 लाख से ज्यादा फॉर्म गिर जाए, 4 लाख से ज्यादा फॉर्म हो जाए तो हम कह देंगे कि देखिए 4 लाख फॉर्म आ गया, हम एग्जाम नहीं ले सकते एक साथ, जैसा कि 67वीं में कहा गया कि 6 लाख का एक साथ परीक्षा नहीं ले सकते, परसेंटाइल लाया गया, 2 शिफ्ट में परीक्षा की बात कही गई। जब हम लोगों ने विरोध किया, पटना में आंदोलन हुआ, दिल्ली में आंदोलन हुआ, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हस्तक्षेप किया, अधिकारियों को डांटा फटकारा, उसके बाद 1 शिफ्ट में परीक्षा हुई और परसेंटाइल लागू नहीं हुआ। तो जब एक बार 2 साल पहले परसेंटाइल और 2 शिफ्ट में परीक्षा वाली बात को बीपीएससी ने वापस ले लिया आंदोलन के बाद, तो 2 साल के बाद फिर से वो जिन कहां से निकल रहा है, वही जिन 2 साल के बाद क्यों निकल रहा है? ये जो मामूली जिन नहीं है, ये धांधली सेटिंग का बहुत बड़ा जिन है, जिसको बीपीएससी में जो बैठे कुछ भ्रष्ट लोग हैं, जो गैंग्स ऑफ लुटेरा है, जो गैंग्स ऑफ ये सेटर है, जो बैठे कुछ अधिकारी है, यही लोग अतुल प्रसाद को भी सलाह दिए थे कि परसेंटाइल लागू कीजिए, 2 शिफ्ट में परीक्षा कराइए, तो अतुल प्रसाद ने नोटिस
नोटिफिकेशन जारी किया जिसका हमने विरोध किया और हमारा साथ बिहार के स्टूडेंट्स ने दिया, दिल्ली के स्टूडेंट्स ने दिया, अन्य राज्य के स्टूडेंट्स ने भी दिया था और परसेंटाइल और दो शिफ्ट की परीक्षा की बात अतुल प्रसाद जी को वापस लेना पड़ा था। और फिर से दो साल के बाद ये बात आ रही है, आपको याद दिला दें, जो भी आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको हम याद दिलाना चाहते हैं, 64वीं बीपीएससी में सीटें ज्यादा थी, उसमें भी खेल खेला गया कि पीटी के स्तर पर ही 12, 13, 15 क्वेश्चन का आंसर गलत कर दो ताकि मेरिट वाले पीटी से ही बाहर हो जाए। और 64वीं के फाइनल रिजल्ट में देखिए कितना घपला हुआ, कितना भ्रष्टाचार हुआ, रैंक घोटाला हुआ। उससे पहले 56 से 59वीं में मेंस का देखिए कितनी गड़बड़ियां हुई, बाहर कॉपी ले जाकर लिखवाई गई और हिस्ट्री का एक पेपर का ऑप्शनल का दोबारा एग्जाम लिया गया। क्यों लिया गया भाई, बिना किसी वजह के, तकनीकी कारण, कौन सा तकनीकी कारण इनका हो गया था? तो अपने लोगों को अंदर करना होगा, क्या करना होगा, जिनसे पैसा लिया गया होगा उसके चलते देखिए क्या क्या किया गया। 66वीं में रैंक घोटाला हुआ तो ये तो खेल चल रहा, और 67वीं में देखिए 113 कटअप गया। एक बार तो पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द करनी पड़ी, परीक्षा रद्द करनी पड़ी, जब दोबारा पीटी हुआ तो इन लोगों ने धांधली से का नया तरीका निकाला ताकि परसेंटाइल लाओ, दो शिफ्ट में परीक्षा कराओ, जिसको हम लोगों ने होने नहीं दिया। उसके बाद पीटी का कटअप देखिए 113 गया, और जब 68वीं में और 69th में परसेंटाइल और दो शिफ्ट में परीक्षा की बात नहीं हुई तो अब 70वीं में अचानक से क्यों ये बात आ रही? पहले तो चेयरमैन ने क्या कहा, TRE3 के परीक्षा से पहले क्या कहा कि TRE3 और आगे की सभी परीक्षाओं में हम परसेंटाइल लागू करेंगे और एक ही शिफ्ट में परीक्षा होगी तो भी हम अलग अलग क्वेश्चन का सेट दे सकते हैं, एक ही जिला में अलग अलग सेट, बिहार के अलग अलग जिला में अलग अलग सेट का प्रश्न दे सकते हैं। तो हमने उस समय भी कहा था कि इनका मकसद TRE3 में परसेंटाइल लागू करने का नहीं बल्कि सिविल सेवा में करने की है। उस समय हमने कहा था, अभी भी वो मेरा वीडियो देख ले लोग जाके, उस समय हमने कहा था कि ये सिर्फ एक सगुफा छोड़ रहे हैं, लोगों के मन में बैठा रहे हैं कि नहीं हम सब परीक्षा में लागू, इनका मकसद बीपीएससी का मकसद सिर्फ और सिर्फ सिविल सेवा में परसेंटाइल लाकर SDM और DSP का सीट बेचना था। और इसलिए देखिए अब ये बातें सामने आने लगी है। तो एक बात हम बता देना चाहते हैं कि परसेंटाइल और दो शिफ्ट में परीक्षा किसी कीमत पे सिविल सेवा में हम लोग नहीं मानेंगे, किसी कीमत पे नहीं मानेंगे। दिलीप जी, बिहार के दिलीप जी लेकिन सीधे सीधी आरोप आप लगा रहे हैं बीपीएससी पर भ्रष्टाचार के। अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, नए नए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन सीधे ये आरोप लगा रहे हैं कि अगर ये आएगा तो सीटों की खरीद बिक्री के लिए आएगा, कैसे आप ये आरोप लगा रहे हैं? इसमें परसेंटाइल लागू होगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, जिसका कम मार्क्स है उसको भी पास कर दिया जाएगा, अधिक मार्क्स वाले को भी फेल कर दिया जाएगा, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। और जहां भी परसेंटाइल, बीपीएससी पर विश्वास नहीं है? नहीं, बिल्कुल विश्वास नहीं है बीपीएससी पे, कैसे हम भरोसा करें उस बीपीएससी पे भरोसा करें? TRE3 का पेपर लीक हुआ, आर्थिक अपराध इकाई ने जांच किया, सरकार की ही जांच एजेंसी है और आर्थिक अपराध इकाई ने जांच रिपोर्ट दिया कि पेपर लीक है, पर्याप्त सबूत है। तब बीपीएससी ने क्या कहा कि कोई सबूत नहीं है, हम नहीं मानेंगे आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट को। उस बीपीएससी पे हम कैसे भरोसा कर ले, उस बीपीएससी पे हम कैसे भरोसा कर ले जिसके अधिकारी ने पेन ड्राइव का कोड बताया, पेपर लीक हुआ, आज तक किसी अधिकारी पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उस बीपीएससी पे हम कैसे भरोसा कर ले? पाया गया मेंस की कॉपियां बाहर ले जाकर लगवाई गई और आज तक किसी अधिकारी किसी कर्मचारी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो कैसे हम उस बीपीएससी पे भरोसा कर ले? नहीं किया जा सकता बीपीएससी पे भरोसा जब तक गैंग्स ऑफ लुटेरा, गैंग्स ऑफ सेटर बीपीएससी ऑफिस के अंदर मौजूद है, तब तक बीपीएससी पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर किसी और स्टेट में आप बता दीजिए परसेंटाइल लागू हो, नहीं है फिर बिहार में ही क्यों, जो कि सबसे भ्रष्ट आयोग है उसी में परसेंटाइल और दो शिफ्ट में परीक्षा, या एक शिफ्ट में भी परीक्षा हो और अलग अलग क्वेश्चन का सेट होगा उसको भी मान्य नहीं किया जाएगा, नहीं मंजूर होगा। और हमें तो दिल्ली से फोन आ रहा है, पटना से आ रहा है, बिहार के अलग अलग जिला से आ रहा है सिविल सेवक अभ्यर्थियों का, और वो लोग अभी से कह रहे हैं कि हम लोग नहीं मानेंगे बीपीएससी सिविल सेवा में परसेंटाइल या दो शिफ्ट में परीक्षा या एक शिफ्ट में ही हो लेकिन अलग अलग क्वेश्चन का सेट हो, इसको नहीं मानेंगे। और लाखों परीक्षार्थी बीपीएससी सिविल सेवा के लाखों परीक्षार्थी पटना से लेकर दिल्ली तक सड़क पे उतर जाएंगे लेकिन परसेंटाइल या दो शिफ्ट में परीक्षा या एक शिफ्ट में ही हो अलग अलग सेट, ये मंजूर नहीं करेंगे। आखिर यही बीपीएससी है ना,
जहां मेंस में सौतेला व्यवहार होता था सब्जेक्ट्स में, कभी फिलोसफी बूम करता था, कभी हिंदी में खाली खाली हिंदी सब्जेक्ट से रिजल्ट, कभी ज्योग्राफी से रिजल्ट, तो कभी ज्योग्राफी से रिजल्ट ही नहीं, कभी मैथ से खाली रिजल्ट, तो कभी मैथ से रिजल्ट ही नहीं। तो उस समय क्यों नहीं ये उस तरह की व्यवस्था लागू किए थे कि सभी सब्जेक्ट के साथ एक समान व्यवहार हो, उस समय अभ्यर्थी मांग कर रहे थे, तो उसमें क्यों नहीं इन्होंने लागू किया, उसमें तो नहीं लागू किए। लेकिन यहाँ पीटी में आप परसेंटाइल लागू कीजिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ धांधली सेटिंग का नया रास्ता खोजा जा रहा है, नया रास्ता। अभी भी बीपीएससी ऑफिस के अंदर वो लोग बैठे हुए हैं जो धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं, बड़े बड़े अधिकारी जो बीपीएससी ऑफिस के अंदर भी है, बीपीएससी ऑफिस के बाहर भी है, और ये जो 200 एसडीएम का सीट और लगभग 135 140 डीएसपी का सीट जो है, तो इसलिए अब मारामारी होगा, लूट खसोट होगा कि कैसे अपने लोगों को सेट करे, पैसा ले, एक एक करोड़ रुपए की बोली लगेगी, एक एक करोड़ रुपए की बोली लगेगी सीट की, एसडीएम का और डीएसपी का। तो नहीं चलने दिया जाएगा ये सब, एक शिफ्ट में परीक्षा करानी होगी, जो व्यवस्था अभी है पीटी एग्जाम का वही व्यवस्था रहनी चाहिए, कोई चेंजिंग इसमें नहीं चाहिए। 5 लाख 4 लाख का परीक्षा कैसे नहीं ले सकते आप एक शिफ्ट में, 67वीं का कैसे लिए पुनर्परीक्षा, 67वीं का 6 लाख का परीक्षा लिए ना एक शिफ्ट में, कहां कोई उसमें पीटी परीक्षा में कोई गड़बड़ी हुई दोबारा जब परीक्षा हुई तो। जब ईमान होगा, ईमानदारी होगी, नियत सही होगी, मनसा में कोई खोट नहीं होगा, तो कहीं भी परीक्षा लिया जाएगा, कितने भी स्टूडेंट्स का लिया जाएगा तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन अगर नियत में खोट होगी, धांधली सेटिंग करना होगा, तो मुख्यमंत्री आवास में बैठा कर भी एग्जाम ले लिया जाए तो वहां भी पेपर लीक हो सकता है, वहां भी धांधली सेटिंग हो सकता है। तो इसलिए ये सब तर्क नहीं चलेगा, और एक शिफ्ट में परीक्षा करानी होगी, जो व्यवस्था अभी है पीटी परीक्षा कराने की, उसी व्यवस्था के तहत पीटी परीक्षा करानी होगी सिविल सेवा की। नहीं तो फिर बहुत बड़ा आंदोलन होगा, पटना में ही नहीं होगा, बिहार के हर जिला में होगा, पटना में भी होगा, दिल्ली में भी होगा, दिल्ली के मुखर्जी नगर में भी होगा, और जगह भी हो जाएगा। लेकिन नहीं मान्य होगा, किसी कीमत पे नहीं होगा, ये चाहेंगे कि तानाशाही करे, मनमानी करे, नहीं चलने दिया जाएगा ये सब चीज। आखिर बीपीएससी के परीक्षार्थियों का भी कुछ हक है, अधिकार है, यही लोग कल जाकर एसडीएम बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, प्रशासन संभालेंगे, और इनके साथ ही आप न्याय करना चाह रहे हैं, पैसा लेकर एक एक करोड़ रुपया लेकर आप एसडीएम और डीएसपी बनाना चाह रहे हैं, तो प्रशासन में जाकर क्या काम करेगा भाई, लूट खसोट करेगा, खाली बेईमानी करेगा, जिन योजनाओं का लाभ जिन तक पहुंचना चाहिए नहीं पहुंचाएगा, पैसा लेकर सही लोगों तक नहीं पहुंचाया जाएगा, पैसा लेकर गलत लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा, ये सब खेल बंद होना चाहिए। और हम कहना चाहते हैं बीपीएससी के जो भी नए चेयरमैन आए हैं कि चेयरमैन साहब, 2022 में भी एक नए चेयरमैन आए थे अतुल प्रसाद जी, उन्होंने भी परसेंटाइल और दो शिफ्ट में परीक्षा कराने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं होने दिया गया, बिहार के लाखों स्टूडेंट सड़क पे उतर गए पटना से लेकर दिल्ली तक, और पहली बार हुआ कि किसी छात्र आंदोलन में मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करना पड़ा, सामने आना पड़ा था, और परसेंटाइल वापस हुआ, दो शिफ्ट में परीक्षा की बात वापस लेनी पड़ी। तो इसलिए फिर से वो गलती नहीं दोहराइए, फिर से उस दिन को बाहर मत कीजिए, उस तरह का दिन आप निकालिएगा तो हम लोग सड़क पे होंगे, और जो करना होगा आप लोग कर लीजिएगा। दिलीप कुमार डरने वाला नहीं है, बिहार का स्टूडेंट्स डरने वाला नहीं है, और जब जब बिहार के स्टूडेंट्स सड़क पे उतरे हैं तो उसका परिणाम आया है, बदलाव वाला परिणाम आया है। और हम सरकार से भी कहना चाह रहे हैं कि अभी तक हम लोग भर्ती आयोग के खिलाफ आंदोलन करते आए हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, बीपीएसएससी हो, बीएसएससी हो, सीएसबीसी हो, या और भी कोई भर्ती आयोग या शिक्षा विभाग हो, ऐसा कुछ मत कर दीजिए साहब कि हम लोगों को सरकार के खिलाफ आंदोलन करना पड़े, हम लोग नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर अभ्यर्थियों के साथ, बिहार के छात्र छात्राओं के साथ अन्याय हुआ तो सरकार के खिलाफ भी हम लोग आंदोलन कर सकते हैं, पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे और दिल्ली में भी आंदोलन होगा। अभी हम अभ्यर्थियों से ये कहना चाहते हैं, जितने भी बीपीएससी सिविल सेवा के परीक्षार्थी हैं, कि आप लोग तैयारी कीजिए, मन से ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, और कुछ फर्जी लोगों से बचिए, फर्जी शिक्षकों से बचिए, फर्जी और जो लोग भी कर रहे हैं आप लोग भी जानते हैं, दूर रहिए, सेटरों से दूर रहिए, शिक्षा माफियाओं, परीक्षा माफियाओं से दूर रहिए, किसी भी लालच में मत फंसिए, ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, ईमानदारी से परीक्षा दीजिए।
किसी लालच में मत फंसिए। और अगर तो कहीं कुछ गड़बड़ी होती है, कहीं कुछ गड़बड़ी होगी तो दिलीप कुमार आपके लिए लड़ने के लिए खड़ा है, बस आप लोग साथ दीजिएगा। और अभी बीपीएससी क्या करेगी प्रीति परीक्षा में, अभी कुछ जब तक बीपीएससी के द्वारा कुछ कहा नहीं जाता है तब तक हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी चर्चा तरह तरह की चल रही है। कभी चेयरमैन कहते हैं कि हम एक ही शिफ्ट में परीक्षा लेंगे लेकिन क्वेश्चन का सेट अलग अलग देंगे, कभी अभी चर्चा चल रही है कि दो शिफ्ट में परीक्षा होगी, तो अभी कुछ कहना मुश्किल है कि ये क्या करना चाहते हैं। पहले ये क्लियर हो जाए कि बीपीएससी पीटी परीक्षा किस तरह ये कराना चाहते हैं, उसके बाद हम लोग भी आगे आप लोगों से वार्ता करके और डिसीजन लेंगे क्या करना है। आप लोग जैसा कहेंगे हम करेंगे, लेकिन आपके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। आप लोग ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, ईमानदारी से एग्जाम दीजिए। तो दिलीप जी थे और इनका जो है परसेंटाइल को लेकर 2022 में जो रुख था वो आज भी है, और इनका सीधे सीधे यही कहना है कि आयोग जो है अभी भी भ्रष्ट लोगों से मुक्त नहीं है और परीक्षा माफिया जो है अभी भी फिराक में लगे हुए हैं इतने बड़े बहाली को गड़बड़ करने को लेकर। और देखा भी जाए तो बिहार में जो है पेपर लीक होता है तो जो भी सरगना होता है वो पकड़ा नहीं जाता है। अब आप देख ले नीट का और PI3 और सिपाही भर्ती का संजीव मुखिया जो है पिछले 4-5 महीनों से खोज रही है, बिहार पुलिस पकड़ा नहीं गया। और ऐसे में बहुत बड़ा एक गिरोह चलता है बिहार में, और उनका सेंधमारी का पहला टारगेट अब बीपीएससी होगा ही, जिसको लेकर दिलीप जी आगाह कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि परसेंटाइल की आड़ में पीटी परीक्षा से ही योग्य छात्रों को बाहर करने की कोशिश की जाएगी। तो आशा करेंगे कि आयोग के द्वारा, सरकार के द्वारा ऐसे फैसले लिए जाएंगे जिससे योग्य कैंडिडेट का चयन सिविल सेवा में हो और किसी भी तरह के परीक्षा माफिया का दाल न गल पाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।